जय जय जगन्नाथ। आउ भुवन रे ठाकुर खोजिबा तुम्भ परी केही थिले जाने दुखी लोकंकर दुख हरु थिबे कृपा विलोकन नेत्र कोणे सुदर्शन नामे चक्र बही थिबे टेकी बाहुरे दक्षिण करे कहे नित्यानंद अपराधी मंद मोहर शरण तांक ठारे। आहा कि सुंदर दृश्य देखिदेले हृदय टांकुरी उठुची। कौन पाई ना आजी भक्त भगवान ये जो मिलनर दृश्य अपूर्व दृश्य आम मैंने दर्शन करुचे। जय जगन्नाथ टीवी रे अगणित अनंत जगन्नाथ प्रेमी भक्त माने मोर माँ बापा भाई भौणी माने घरे बसी ये संध्या समय रे ये संध्या सांध्य अवकाश रे दर्शन करुचे आम महोदधिंकर ये आरती आज पवित्र पौष पूर्णिमा ये महादिवस आज आज दिन होपरी पवित्र दिन ये आज दिन में आज समुद्र आरती अनुष्ठित होता ये क्षेत्र में जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा एवं से ही आरती जो आरती महोदधि को अर्पण करा जाई आरतीर चतुपार्श्वरे संपूर्ण रूप से आज ये भक्त माने अगणित सनातनी धर्म अवलंबी भक्त माने आज घेरिकी रही से आरती टी कड़े जा तीर्थराज महोदधि समीप को अग्रसर हो आरती टी एवं एपटे पतित पावन नारायण आगरे अगणित भक्त माने शरणापन्न हुई मंदिर मध्य को प्रवेश करुछंती। आज मणिमांकर राजराजेश्वर वेश ये सुना वेश मध्य को कहा जाए एवं बड़ तड़ाऊ वेश मध्य कहा जाए किंतु आज दिन में महाप्रभु जो सुना वेश होइथांती एवं महाप्रभु बरस को ये पांच थर जो सुना वेश होइथांती देखंतु यही प्रदीप समूह को ये दीप मानकर जो शिखा को आपण माने दर्शन करुछंती ये चारि साढ़े चार पांच घंटिका समय रे यहाँ प्रस्तुत होता वर्तमान देखु कि भाव में शोभावर्धन करुच्ची महोदधि तीरर ये जो प्रदीप गुड़े जलुंट तीर्थराज महोदधि आलती महोत्सव दिवस एवं ये जो सुवर्ण बेश कथा कहते निश्चित भाव में आलोचना करवा जदि देखा ये तीर्थराज महोदधि ये जो परेश अति रमणीय दृश्यमान एवं घंटा मध्य रही बादन मध्य चली अनेक प्रकार अनेक घंटा माल मध्य रही पतित पावन नारायण दृश्यमान हेले भक्त माने कोलाहल करुछंती भक्त माने दर्शन निमंते जाउछंती प्रभु को किए दर्शन करिवे प्रभु को अवलोकन करिवे एवं अगणित अनंत भक्त मानंकर ये भिड़े तीर्थराज महोदधि ये जो गर्भरे जो बालुका रही यदि से बालिकी आपण देखिवे से बाली रे केते पाद चिन्ह पड़ी देखन साधु संत महात्मा मानंकर पाद धूली से स्थान रे रही सेमते नाम हूँ तीर्थराज भक्त माने मध्य केते परिमाण रे एवं किभली भाव रे अनेई रही चाही रही जेपरी चातक वर्षा को चाही रही थाए ठीक से हीपरी भक्त माने ये तीर्थराज महोदधि आरती दर्शन करुछंती संध्या समय रु जगद्गुरु श्रीमद् शंकराचार्य भगवत्पाद स्वामी द्वारा एवं महाप्रभु आद्य सेवक गजपति दिव्य सिंह महाराज द्वारा एवं अनेक साधु संत महात्मा मानंक द्वारा ये तीर्थराज महोदधिंकर आरती पर्व चली अछि आपण माने अवलोकन करुछंती जय जगन्नाथ टीवी रे। एवं जदि देखिबे दृष्टि निक्षेप करिबे आपण माने देखि पारिबे ये समुद्र गर्भरे एक नौका मध्य रे आतशबाजी मध्य चली ये जो आतशबाजी चली सुंदर दृश्यमान हो देखंतु सतेज एपरी ये समुद्र देवता गर्भरु एक ज्योति प्रस्फुटित होपटे समुद्र देवता दर्शन वरुण राजा दर्शन अगणित भक्त मानंक दर्शन सहित मझिरे मझिरे आमर कालिया ठाकुर पतित पावन नारायण दर्शन मध्य आम मैंने करदे देख से जो आलतटी वर्तमान तीर्थराज महोदधि समीप को जाता घंट घंटा इत्यादि नानाविध बाद्य जगत मंगल नाद से आज से बाद्यटी से बाद्यर
ସହିତ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ସମୀପରୁ ସେ ଆଳତିକି ଆଳତିକି ଧରି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁନଃ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଳତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନାଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ, ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରେ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତୀର୍ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘାଟ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘାଟରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ପାଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁ ଯିଏ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଳତିକି ଟିକିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆଳତିକୁ ଆମେମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରୁଛେ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ଏ ଆଳତି। ଓଂ ରାଜାଧିରାଜାୟ ପ୍ରସଖ୍ୟ ଶାଳିନେ ନମୋ ବୟମ୍ ବୈ ଶ୍ରବଣାୟ କୁର୍ମହେ ସମେ କାମାନ କାମ କାମାୟମୈହଂ କାମେଶ୍ୱର ବୈ ଶ୍ରବଣୋ ଦଦାତୁ କୁବେରାୟ ବୈ ଶ୍ରବଣାୟ ମହାରାଜାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଆଳତିକି ଏ ଆରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରତ ହରଣ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୀର୍ଥରାଜ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ, ନମସ୍ତେ ସରିତାଂ ପତେ ତଦ୍ଦର୍ଶନଂ ଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ସ୍ପର୍ଶନଂ ପାପନାଶନଂ। ହେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି, ହେ ସରିତାପତି, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତଦ୍ଦର୍ଶନଂ ଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ, ଏ ଜୀବକୁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶନଂ ପାପନାଶନଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆମର ପାପ ନାଶନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ହେ ବରୁଣ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ବରୁଣ ରାଜା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିପ୍ର ଅନେକ ସାଧକମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦୀପ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଆଳତିର ପର୍ବ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତ ହେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ କଥା ରହିଛି, ଇଏ ଯେତେ କଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଆମେମାନେ ଏଠି ଅଛେ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୂଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ କରୁଛେ ଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି କ'ଣ ନା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ବସି ତେରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଳର ତାଳ ସହିତ ଇଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠର ବୈଦିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଘଣ୍ଟାବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସେଠି ସେ ସ୍ଥାନରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜୟ ଶଙ୍କର ହର ହର ଶଙ୍କର, ଜୟ ଜୟ ଶଙ୍କର ହର ହର ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଘଣ୍ଟାବାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଆଳତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠର ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଏ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ର ତ୍ରିଭୁପୁଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ର ଚିତା ଭସ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶିଖା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
दृश्यमान हेउछि पतित पावन दृश्यमान हेलेणि महाप्रभुंकर जहाँ आमर आज प्रसंग रही बैश पावच्च कि बैश पावच्च संपर्क आम श्रवण करवा मनुष्यर मध्य बैश गोटी दोष एवं दुर्बलता रही जदि आम देखा आम मानकर बैश गोटी दोष एवं दुर्बलतार प्रतीक रूप से ये बैश पावच्च महाप्रभुंकर पाखक जावाई साहय कर परेश देखिले आपण मैंने घरे बस मन हो जाकि समुद्र आरती दर्शन करने तेना महाप्रभु जुगे जुगे लीलामय श्री जगन्नाथ ये नाना विध अवतार ग्रहण करी महाप्रभु ये लोक कल्याण निमित्त ये सब नाना अवतार धारण करी लीला कर दीप जलुंट आहा ये दीप माने जलुंट आज समूह हो एवं अनेक दीप मध्य लगा जाऊँ देखते आज जो दीप लगिना ही सब लग जाऊ ओंकार आकृतिर एक छाच उपर अनेक दीप रही से दीप सबू लगौं शंकराचार्य मठर ब्रह्मचारी माने मठर अंतवासी अनुजाई माने एवं से आलती की नवापाई किभली भाव में उत्कंठता रही आलती अति दिव्य आलती से आलती की नवा द्वारा ये मनुष्यर नानाविध कल्याण होता से ही आलती आज चतुपार्श्वे जे आलती कर आलती दानी रे जो आलती प्रज्वलित होती अग्नि मिले पुरोहित यज्ञ देवृत्युज होतारम रत्न धातवम से ही आलती को आज अनेक भक्त मान मनरे नेवाई आग्रह रही आलती नौ भक्त मान आलती भक्त मानकर भितर बुलिया जा आलती की श्रद्धार सहित भाव सहित से माने ने महाप्रभुंकर लीलार वैचित्र्यता केते कथा एटी रही कहिले श्रीमंदिर एते कथा रही केते नीति रही जहाँ भी रही सबुर मूल रे महाप्रभु तेणु महाप्रभु को छाड़ीदे आ कि ना सबुर मूल रे महाप्रभु को केन्द्र कर सबू आम जहाँ भी किसी देखुचे सबु महाप्रभु को केन्द्र कर ये जिते मठ मान रही ये क्षेत्र चतुपार्श्वे ये क्षेत्र चतुपार्श्वे जिते आश्रम मान रही जिते तीर्थ मान रही एवं ये जो महोदधि आलती हूँ तीर्थराज महोदधि सबूर मूल महाप्रभु तेणु महाप्रभु को लेकर ये सब चतुपार्श्वे लीला महाप्रभु हूँ समस्त केन्द्र आधार यदि देखिए से आलती आज समस्ते भक्त मान चतुपार्श्वे भक्तों उद्देश्य वर्तमान जड़े जनैक ब्राह्मण देवता धरिकी बुलाऊँच मंच उपरको धरिकी आसुँ आम मैंने तो निश्चित श्रवण करुचे बैश पावच्छ विषय कहूलु आपण को जे जो बैश पावच्छ रहा एपटे आम मनुष्य मानकर मध्य जो दोष एवं दुर्बलता जो रही ये मध्य बैश रूप आम सनातन धर्म ये बैश संख्याटी आमर पूजार जो वरुण पूजा होता है वरुण पूजार जो देवता मानू आवाहन कराए सी मध्य होती द्वाविंश देवता सी मध्य बैश जन देवता आवाहन करें पूजा करे बैश पावच्छ बैश दोष दुर्बलता से हीपरी भाव में बैश जन देवता ये हूँ महाप्रभुंकर लीला भक्त मानकर भिड़ घंट बाजुची कालर सहित यू घंट बाजुची देखिए ये घंट नाद शुणे घंट कहीं बाजे तार विशेष कारण रही घंट नाद जो स्थान रे होता है से स्थान रे कहीं रहंती ना ही दुष्ट शक्ति माने सब छाड़ी पलाई था से स्थान को तेणु ये देखते जगतगुरु शंकराचार्य भगवत पाद निज सचिव सहित से मंच उपरे दंडायमान होती निम्न भाग को जाऊँ जगतगुरु शंकराचार्य शिवावतार ये त्रिभुवन रे ये शंकराचार्य रूप से स्वयं भगवान शंकर ही ये विचरण करुँचं एवं शंकराचार्य से पदरे आसन रे बसिबा ये होची अनेक जन्मर तपफल स्वयं भगवान शिवावतार रूप से शंकराचार्य भगवत पाद देखंतु आज आसी मंच उपरे निज सचिव सहित जगद्गुरु निश्चलानंद सरस्वती महाभाग महाराज जी आज उपवेशन करुछंती मंच उपरे एवं तंक अनुयायी माने मध्य ये मंच चतुर्पार्श्वरे घेरी रहिछंती
जगद्गुरु शंकराचार्य को दर्शन करुछंती एवं ये जो महोदधि आलतीर ये पर्व महोदधि आलतीर उत्सव को मध्य सेमाने सामिल होइछंती से उत्सव रे एवं निजकु ता भीतर सामिल करी निजकु धन्य मने करुछंती जा हो आज गोटे केड़ बड़ दिन पवित्र पौष पूर्णिमा एवं पौष पूर्णिमा त पूर्णिमा एवं आज होउछि गुरुवार ये नीलाद्रिनाथंकर पटापटु रुचिकृत प्रकट हाटक श्री जगत कटाह घनटा स्फुटोत्कट कटाक्ष पातक्रम बटद्रुम तटो भटद्युतिरनिष्टा कुटाटबिं फटाधर फटा छटा नट नटाटबिं पाटयेत। ये महाप्रभु होउछंती एभली ऐश्वर्यर देवता आम जगन्नाथ महाप्रभु तांकर किए लीला को वर्णना करिवो जी होउछंती निजर पीताम्बर द्वारा ये शुद्ध स्वर्ण आभूषण रे शोभा को लज्जित कर दउछंती कोटि कामदेव आम प्रभु को देखिले लाजरे तलु को मुह पोति देबे सेई परि भाव रे के होउछंती महाप्रभु को कथा कहू कहू महाप्रभु देखा देलेनी आहा प्रभु कि सुंदर रूप आपणकर मणिमा जय जय जगन्नाथ नीलगिरी पति अभिनव जलधर सुंदर मूर्ति हे जय जगन्नाथ। मणिमा आपणकर जो पटपीतांबर रूप को पीतांबर धारण करिथिबे महाप्रभु स्वर्ण अलंकार आभूषित होइथिबे ये रूप को दर्शन करदेले कामदेव तलू को मुह पति दियंती लज्जारे अरे से कामदेव को सृष्टि कला वाला प्रभु आपण आपण होउछंती त्रिभुवन सुंदर से तो बनमाली दास कौन कहिले पिंधि थीब जेबे पट पीतांबरी धूली रे लोटिब नाही घेनी थीब जेबे मोहन मुरली घेनी थीब जेबे मोहन मुरली तेरछे चाहिब नाही श्याम नागर हे एबे सहोइब नाही। केड़े सुंदर रचना आम महाप्रभु को उद्देश्य रे ये उत्कलर प्राचीन कविमानंकर उदात कंठरु उद्घोषित होइथिबा ये कालजयी रचना महाप्रभु को निमित्त आउ ये रचना कौन एबे अछि आज्ञा कहिले केड़े सुंदर रचना कविमान आसिछंती ये क्षेत्र रे महाप्रभु को भलो पाइछंती किए गाली देइछंती से गालीटा भी एते सुंदर होइ पारे कवि सूर्य बलदेव रथंकर बाधिला जानी क्षमा कर नोहिले रमा रमण दंडे दियो टाली तुम्भंकु जगन्नाथ आज मो मनोरथ भरती करी देवी गाली हे कृपा सिंधु। हे महाप्रभु आज मुँ आपण को गाली देवी कवि सूर्य बलदेव रथ आसिले गाली देले एवं से गालीटा मध्य केड़े मधुर महाप्रभु को लागिला कहिले आज भी महाप्रभु से श्रवण करुछंती ए गालीटा को तेणु महाप्रभु भक्त मानंकर गाली भी सहिछंती।